हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं दिसंबर के चौथे हफ्ते के करंट अफेयर कवर करूंगा। इसमें मैं 22 से 28 दिसंबर तक के क्वेश्चन सारे के सारे कवर करूंगा, और जो बचे तीन दिन है यानी 29, 30 और 31, सिर्फ तीन दिन के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2018 के फर्स्ट पार्ट में, और ये जो है ये 1 या 2 जनवरी को ही आपके पास आ जाएगा। हमारी क्रिसमस सेल का आज आखिरी दिन है, यानी 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, तो आज रात 12 बजे तक आप कोई भी हमारी पेनड्राइव कोर्स पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हमने बहुत सारे नए पेनड्राइव कोर्सेज निकाले हैं, टेस्ट सीरीज भी निकाली है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और यूपीएससी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज आती है, और एसएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज है इसमें लगभग 250 से ज़्यादा टेस्ट हैं। एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, गुजरात पीएससी के लिए, फिलोसॉफी ऑप्शनल के लिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बहुत सारे पेनड्राइव कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। आप कोई भी डिटेल चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studyiq.com पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या फिर आप मुझे ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर पे मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली ट्विटर पर पूछ सकते हैं, gaurav_gag888। तो शुरू करते हैं वीडियो। इनमें से कौन से हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने लॉन्च करा EHRMS ऑनलाइन पोर्टल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है? ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो है DONER, यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को छुट्टी चाहिए उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। समीप नाम का एक इनिशिएटिव कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? समीप की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करेगी और उन्हें वो फॉरेन पॉलिसी यानी विदेशी नीति को समझने में मदद करेगी। सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। हमारी एक्सटर्नल अफेयर मंत्री हैं सुषमा स्वराज। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक पोर्टल है जो लॉन्च हुआ था जिसका नाम है पेंसिल। तो ये जो पेंसिल नाम का पोर्टल है ये कौन से किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ था, मतलब किस चीज़ को रोकने के लिए पेंसिल लॉन्च हुआ था, कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सा खेल है जो 2022 के कॉमनवेल्थ खेल जो बर्मिंगम में खेले जाने हैं? याद रखिए ये खेल पहले डर्बन साउथ अफ्रीका में खेले जाने थे, लेकिन फिर वेन्यू चेंज करके बर्मिंगम कर दी गई थी। तो इनमें से कौन सा खेल अब बाहर निकाल दिया गया है 2022 के कॉमनवेल्थ खेल से? शूटिंग अब इसमें नहीं होगा, तो ये भारत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि भारत शूटिंग में काफ़ी मेडल जीतता था। तो इनफैक्ट 438 मेडल जो भारत ने जीते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक जीते हैं, उनमें से 118 मेडल हमने शूटिंग में जीते, तो ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है। और 2018 का जो कॉमनवेल्थ खेल होंगे अप्रैल में होंगे, बस 4 महीने बचे हैं, क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट में होंगे कॉमनवेल्थ खेल। और जो 2018 में विंटर ओलंपिक होंगे वो होंगे प्योंगचैंग साउथ कोरिया में। भारत ने अनाउंस करा है कि वो म्यांमार को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे राखिन राज्य को दोबारा बसाने के लिए। तो आपको ये बताना है कितना पैसा भारत म्यांमार को देगा। भारत देगा $25 मिलियन, ये होता है लगभग 200 करोड़ रुपए। राखिन जो राज्य है म्यांमार का, उसमें रोहिंग्या मुसलमानों का जो इशू है वो राखिन में चल रहा है, क्योंकि राखिन में ही सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है वो है ने पी डाओ, और यहाँ की विदेश मंत्री हैं आंग सांग सू की, जो नोबेल पीस प्राइज़ भी जीत चुकी हैं। और म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हतिन कयाओ। इनमें से कौन सा शहर है जो इंडिया इंटरनेशनल कॉफ़ी फेस्टिवल का 7वां अध्याय होस्ट करेगा? भारत में ज़्यादातर जो कॉफ़ी होती है वो होती है कर्नाटक में, जैसे चिकमंगलूर, कोडागु, बहुत सारे एरिया है कर्नाटक में जहाँ कॉफ़ी होती है। तो आंसर है बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है। इनमें से एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? मैं बात कर रहा हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO, ना कि एयरटेल कंपनी के CEO। तो इनका नाम है शशि अरोड़ा। इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो क्यों दिया है? क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक इलेक्ट्रॉनिक KYC फ्रॉड में पकड़ा गया। वो जो आधार की EKYC जो लोग करवाते थे उसकी इन्फॉर्मेशन से कस्टमर से बिना पूछे एयरटेल पेमेंट बैंक खोल रहा था, और उनकी जो सब्सिडी है वो भी ले रहा था, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया है। हालांकि जो भारतीय एयरटेल कंपनी है उसके CEO हैं गोपाल विट्टल, जो यहाँ पे हैं ऑप्शन में हैं, और सुनील मित्तल हैं कंपनी के मालिक यानी कि चेयरमैन। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी सैमसंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? ये यूटिलिटी बिल पेमेंट को चालू करेगा सैमसंग पे ऐप के थ्रू, ये किया है एक्सिस बैंक ने।
एक्सिस बैंक की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं शिखा शर्मा, जो दूसरी बार इस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर चुनी गई हैं। और सैमसंग जो कंपनी है ये है साउथ कोरिया की कंपनी। इनमें से कौन सी तेल की कंपनी है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है उड़ीसा की एग्रीकल्चर और तकनीक यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, और इसके लिए एक बायोफ्यूल चेयर भी बनाई जाएगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि एक शाखा बनाई जाएगी। और BPCL जो है ये भारत की एक आठवीं महारत्न कंपनी है, ये भी याद रखिए। भारत में टोटल है आठ महारत्न कंपनी। हमारे एग्रीकल्चर के मंत्री हैं राधा मोहन सिंह और टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है डॉक्टर SC जामिर। आसियान इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस ये 6 और 7 जनवरी को होगा। कहाँ पे होगा ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सिंगापुर भी एक आसियान कंट्री है, बहुत सारे आसियान कंट्री हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, बहुत सारे हैं, टोटल हैं 10। और भारत के 25 साल आसियान के साथ पूरे हो गए हैं संबंधों के। और आसियान का जो हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट है वो है जकार्ता में। जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। और आसियान जो है इनके हेड ऑफ स्टेट भारत के 26 जनवरी 2018 की जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें इनवाइट किए गए हैं। इनमें से कौन सा भारत का पहला शहर बना है जिसने अपना लोगो डिज़ाइन किया है? ऐसा करने वाला ये पहला शहर बना है भारत का। एक कंपनी जिसने लोगो डिज़ाइन करा है उसका नाम है नामूर। और जो नम्मा बेंगलुरु हब्बा नाम का फेस्टिवल था उसमें ये दिखाया गया। इसकी टैगलाइन है बेंगलुरु बी यू। तो ये है लोगो, ये आप देख सकते हैं, ये है बेंगलुरु। एक कमेटी बनी है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनमें अगर कोई भी आला अधिकारी हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन होगी तो फिर उन शिकायतों को देखेगी। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे सेक्रेटरी ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। सो आंसर है सी। इनमें से कौन सा देश है जिसने सक्सेसफुली अपनी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरमेंटल प्रोब करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर्यावरण संबंधी प्रोब करेगी? ये लॉन्च करा है चाइना ने। चाइना जिस रॉकेट से अपना सैटेलाइट छोड़ता है वो उस रॉकेट को बोलते हैं लॉन्ग मार्च। और ये 260वीं उड़ान है जो लॉन्ग मार्च फैमिली ने की है। और चाइना का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए उसका नाम है योगान 30। एक और इंपॉर्टेंट बात है, 3-4 प्रोजेक्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। नासा का प्रोजेक्ट है, नासा का जो बृहस्पति ग्रह जुपिटर को स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट है उसका नाम है जूनो। और जो सैटर्न यानी शनि ग्रह को स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं कसिनी ह्यूजेंस। और भारत का जो प्रोजेक्ट है सूरज ग्रह को स्टडी करने के लिए इसरो द्वारा उसको बोलते हैं आदित्य एल वन। भारत ने अभी अभी स्पेशल बॉर्डर टॉक्स करी, इसका 20वां राउंड था ये टॉक्स का, किस कंट्री के साथ की? ये की भारत ने चाइना के साथ। और भारत की तरफ से गए थे हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और चाइना की तरफ से आए थे यांग जीएची। केंद्र सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कितने मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का इंप्रूव करने का, यानी भारत में जो अति पिछड़े जिले हैं कितने हैं जिनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने का प्लान केंद्र सरकार ने बनाया है। टोटल है 115 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 115 में से 35 ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। इसके अलावा ये जो प्लान है 2022 तक पूरा किया जाएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR कंसल्टेंसी 2018 वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के हिसाब से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। कब तक भारत बन जाएगा 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी? 2018 तक ही। तो भारत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पीछे छोड़ देगा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो चाइना है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2032 तक, यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर। कौन से बैंक हैं जिन्होंने SLCM के साथ एक टाई अप किया है, ये कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज को लॉन्च करेंगे? तो ये दोनों बैंक हैं HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, सो आंसर है 2 और 3। इंडसइंड बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं रोमेश सोबती, और HDFC बैंक के हैं आदित्य पुरी। नेशनल फार्मर्स डे किसान दिवस जो होता है ये भारत में कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को हम मनाते हैं।
भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनका बर्थडे होता है किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे 23 तारीख को। एक और इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ दो दिन बाद यानी 25 दिसंबर को होता है एक तो पीवी नरसिम्हा राव जी का डेथ एनिवर्सरी, इस दिन उनकी डेथ हुई थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो कितनी ऐसी कम्युनिटी हैं, हाउ मेनी कम्युनिटीज 1% रिजर्वेशन विद इन द 50% लिमिट, कितनी ऐसी कम्युनिटी है राजस्थान में जिन्हें वो 1% आरक्षण देंगे 50% लिमिट के अंदर अंदर रहकर। ये कम्युनिटी हैं 5, इनमें जैसे गुज्जर हैं और 4 कम्युनिटी और हैं, बंजारा, बाल्डिया, लवाना, गड़िया, लोहार, गडोलिया, रायका, रेवड़ी, देवासी और गडरिया, गडरी, गायरी। तो ये अलग अलग नाम हैं इनके, टोटल 4 ही हैं ये और एक गुज्जर, तो टोटल हो गए 5। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी है। याद रखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाई एनुअल होती है, यानी एक साल में 2 बार आती है, इससे पहले जुलाई में भी आई थी और अब लेटेस्ट रिलीज हुई है। इसमें यह कहा है कि जो सितंबर क्वार्टर तक यानी जब सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ तो आपको यह बताना है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो कब तक कितने परसेंट तक बढ़ गए हैं, ये आपको बताना है। ये 10.2% तक बढ़ गए हैं। और एक और बात, मार्च 2018 जब ये वित्तीय वर्ष हमारा खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो 10.8% तक बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं सरकारी बैंक्स की तो उनमें है 7.34 लाख करोड़, यानी लगभग 7.5 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, और जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें है 1.03 लाख करोड़। सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन से बैंक में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ICICI बैंक के अंदर। इनमें से कौन सा विमान है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL कंपनी बनाती है, इसे DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की परमिशन मिल गई है, अब ये सिविलियन फ्लाइट्स को उड़ा सकता है। ये है डॉर्नियर 228। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए, डॉर्नियर 228 भारत का पहला विमान है जो भारत में बना है जो कमर्शियल सिविल फ्लाइट्स के लिए यूज होगा। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने एक मॉक ड्रिल किया ये चेक करने के लिए कि अगर कोई भारत में भूकंप आ जाता है तो वो कितने तैयार है, ये इन्होंने कहां पर किया, ये कंडक्ट किया गया हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कलेसर नाम का एक नेशनल पार्क है और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने NHIPC नाम का एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल बनाया है? यह बनाया है नेशनल हाईवे इन्वेस्टमेंट, इसका नाम है नेशनल हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल, और यह बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो भारत में रोड्स बनाता है। इसके अलावा भारतमाला स्कीम में 35,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाएंगे अगले 5 साल में, टोटल खर्चा होगा 5,35,000 करोड़। हमारे जो रोड के लिए मंत्री हैं यानी नागरिक परिवहन मंत्री वो हैं नितिन गडकरी, ये नागपुर से लोकसभा सांसद हैं और ये हमारे जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज के मंत्री भी हैं। वर्ल्ड बैंक ने कौन से राज्य को पर्यटन बढ़ाने के लिए $40 मिलियन का लोन देने का वादा किया है? ये लोन है लगभग 300 करोड़ रुपए का। वर्ल्ड बैंक इस लोन को देगा उत्तर प्रदेश को और ये आगरा और ब्रज जो रीजन है उसमें फोकस किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, जो प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, वाराणसी में अभी अभी एक 10 दिवसीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल वो भी सेलिब्रेट किया गया। सोमक रॉय चौधरी ये IUCAA पुणे के डायरेक्टर हैं, इन्होंने अनाउंस करा है कि एक लीगो डिटेक्टर भारत में बनेगा, किस साल तक ये बन के तैयार हो जाएगा? तो IUCAA बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लीगो डिटेक्टर होगा। लीगो की फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई, मौत हुई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी जो फेफड़े और फेफड़ों की जो नलियां हैं, जो हमारा श्वास तंत्र है उसकी इन्फेक्शन से 2016 के अंदर? ये दिखाता है इस राज्य में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसकी बात हो रही है? ये है उत्तर प्रदेश। इसका कारण यह भी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है दिल्ली, जहां पे एयर पोल्यूशन की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु हुई। इनमें से यूनिसेफ की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है?
ये एंथोनी लेक को रिप्लेस करेंगी और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनका नाम है हेनरिएटा फोर. हेनरिएटा फोर ऑड्री अजोले बनी है नई डायरेक्टर यूनेस्को की और टेड्रोस आधानोम है WHO के. फिलिपो ग्रांडी है यूनाइटेड नेशंस फॉर हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी और एक और बहुत एग्जाम में पूछते हैं रॉबर्टो अजावाडो, ये है WTO के. इनमें से जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है NCC इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि चीफ कौन बने हैं. इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल BS सहरावत और यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, ये है टैगलाइन NCC का. बनवारी लाल जोशी, इनका निधन हो गया. ये कौन से राज्य के गवर्नर थे? बनवारी लाल जोशी ये थे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के. और ये दिल्ली के LG भी रह चुके हैं, यानी लुटेनेंट गवर्नर रह चुके हैं. दिल्ली के अभी जो लुटेनेंट गवर्नर है वो है अनिल बैजल. इनमें से पेरू देश में भारत के अगले जो राजदूत हैं वो कौन बने हैं? पेरू की राजधानी लीमा है. दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका का ये देश है. इनका नाम है एन सुबरायडू. इनमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जनरल मैनेजर कौन बने हैं क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए? भारत के पूर्व विकेटकीपर बैट्समैन, इनका नाम है सैयद सबा करीम. और BCCI के जो CEO हैं वो हैं राहुल जौहरी और जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं वो हैं विनोद राय. अभी चर्चा में आए क्योंकि 2G में एक वक्त जब ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे तो इन्होंने 1.76 लाख करोड़ का भारत को लॉस बताया था, लेकिन 2G में सब बरी हो गए हैं. कितने देश हैं? अभी आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन ने इसराइल की राजधानी जेरूसलम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था. इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ, उसमें कितने देशों ने अमेरिका के खिलाफ वोट डाला? 128 देशों ने. और 35 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने जो एबसेंट हो गए वोटिंग से, ना हाँ किया ना किया. और 9 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के फेवर में वोट दिया, यानी रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया. तो यानी कि जो भारत है, भारत इन 128 कंट्रीज में से था. इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने अनाउंस करा है कि ये जो इनका टूरिज्म और कल्चर यानी संस्कृति और पर्यटन का मंत्रालय है उनको अलग अलग करेंगे और एक ये कमीशन भी बनाएंगे जिसे इस राज्य की जो भाषा है उसका विस्तार किया जा सके? ये अनाउंस करा है उड़ीसा की सरकार ने. हमारा भी जो केंद्र में भी जो टूरिज्म और कल्चर है अलग अलग है दोनों के मंत्री. कल्चर के मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा और टूरिज्म के मंत्री हैं के जे अल्फोंस. राजस्थान से अभी राज्यसभा में गए हैं. सरकार ने अभी लॉन्च किया गंगा ग्राम प्रोजेक्ट. गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन जहां पे हुआ वहां पे किया, तो आपको बताना है ये सम्मेलन कहां पे हुआ. ये नई दिल्ली के अंदर हुआ और इसे अटेंड किया उमा भारती जी ने, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये रूरल डेवलपमेंट मंत्री हैं. और जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं ये कौन है? अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग दोनों के मंत्री हैं हरदीप पुरी. सुशासन दिवस, ये किसका जन्मदिन होता है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है. सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस डे वाले दिन मनाया जाता है. अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे. इनमें से कितने परसेंट भारत इनकम टैक्स भरते हैं? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमारा, जिसे हम बोलते हैं CBDT, सुशील चंदर है इसके चेयरमैन, आयकर विभाग, इसने अनाउंस करा है, अपनी रिपोर्ट दी है, यानी 2015-16 असेसमेंट ईयर में कितने भारतीयों ने इनकम टैक्स भरा. भारत में जो इनकम टैक्स भरते हैं वो है सिर्फ 1.7% लोग, यानी भारत में 2% से भी कम लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं. इनमें से UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के? इनका नाम है धीरेंद्र पाल सिंह और ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC के भी डायरेक्टर हैं. ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर भी हैं. रॉबी मलिंगा का निधन हो गया. ये एक मशहूर सिंगर थे. कहाँ से थे ये? दक्षिण अफ्रीका के सिंगर थे. दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं जैकोब जुमा. यहाँ पे क्रूगर नेशनल पार्क. AAI बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि भारत का पहला रनवे ऑन अ सी ब्रिज ये कौन से एयरपोर्ट पे बनेगा, यानी समुद्र में एक हवाई पट्टी बनाई जाएगी जिसमें हवाई जहाज उतारे जाएंगे. ये भारत में कहाँ बनेगा? ये बनेगा अगाटी में. अगाटी एक छोटा सा टापू है, ये लक्षद्वीप में है. इसको बनाने में 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा. लक्षद्वीप की राजधानी है कावराती. लक्षद्वीप है अरब सागर के अंदर.
पार्थ मुखोपाध्याय का निधन हो गया, ये क्या थे मशहूर? ये बंगाली फिल्मों के एक्टर थे। भारत ने अभी अभी सोडियम नाइट्राइड जो हम खरीदते हैं उस पर एंटी डंपिंग लगना चाहिए कि नहीं, भारत ऐसा मानता है कि जो सोडियम नाइट्राइड है वो भारत में डंप किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है कौन से देश के खिलाफ। ये देश है रशिया। रशिया में एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसे बोलते हैं रेड स्क्वायर, और रशिया के व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति, मॉस्को है राजधानी। एनएचपीसी ने अनाउंस करा है कि वो 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाएंगे उड़ीसा में। कितने रुपए की लागत से ये बनाएंगे? इसमें खर्चा आएगा 1000 करोड़। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, चिल्का लेक है यहाँ पे जो भारत का सबसे बड़ा लगून लेक है, और सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा देश है जिसने अनाउंस करा है कि वो अपनी एम्बेसी जो है वो जेरूसलम में अब शिफ्ट करेगा, जेरूसलम में शिफ्ट करेगा? ये कौन से देश ने अनाउंस करा है? ये अनाउंस करा है ग्वेटेमाला ने। ग्वेटेमाला की राजधानी है ग्वेटेमाला सिटी, और इनकी पहले जो थी वो थी तेल अवीव में। तेल अवीव से जेरूसलम में ये शिफ्ट करेगा। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक फ्री हाउस होल्ड पावर कनेक्शन स्कीम लॉन्च करा है? प्रकाश है तो विकास है, ये कौन से राज्य ने लॉन्च करा है? ये एक इसे घरों में फ्री पावर कनेक्शन दिए जाएंगे, ये लॉन्च करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये है उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। इमूवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल, ये अभी अभी लोकसभा ने पास करा है। इस बिल को कौन लेके आया था? इसको लेके आए थे हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं। कितने मेडल भारत ने जीते? गैलियम जारल गपोव बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कजाकिस्तान के कारागंदा शहर में हुआ था, भारत ने जीते 5 मेडल, 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 3 स्वर्ण 1 कांस्य 1 रजत पदक। और जो गोल्ड मेडल जीते वो जीते नमन तनवर, सतीश कुमार और श्याम कुमार ने। तो आंसर है टोटल 5 मेडल हमने जीते। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कौन सा जो देश है इनमें से जिसने एक बांग्लादेश में पहला इको फ्रेंडली थर्मल पावर प्लांट बनाना स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है चाइना ने। चाइना ने स्टार्ट किया है, और ये बनेगा पायरा नाम के टाउन में। डिस्ट्रिक्ट का नाम है पटुआखली। पटुआखली बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका। भारत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अल अजहर यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये जो यूनिवर्सिटी है ये है इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के अंदर। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक नीलसन के द्वारा $2.25 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी अभी जीता है? ये कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है 1 जुलाई से अब तक जितना भी GST कलेक्ट हुआ है सबसे ज्यादा इस राज्य से हुआ है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। वैसे भी भारत का लगभग 1/3 GDP महाराष्ट्र से आता है, तो ये महाराष्ट्र है। इसके अलावा जो स्टेट GST कलेक्ट हुआ है उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, और इसके साथ साथ जो सिन और लग्जरी गुड पे टैक्स कलेक्ट होता है उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। कितना लोन भारत वर्ल्ड बैंक से ले रहा है तमिलनाडु में सिंचाई के प्रोजेक्ट्स के आधुनिकरण के लिए? यानी तमिलनाडु में जो सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड़ी पलनास्वामी, AIADMK पार्टी के। तमिलनाडु का एक डांस भी है जिसे बोलते हैं भरतनाट्यम। टोटल वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है भारत को $318 मिलियन, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। कौन सी एयरलाइन है जिसे DGCA के द्वारा उड़ान स्कीम के तहत परमिशन मिल गई है फ्लाइट उड़ाने की? ये एयरलाइन है एयर डेक्कन। और एक व्यक्ति याद रखिए, बी एस भुल्लर हैं डायरेक्टोरेट जनरल फॉर सिविल एविएशन के चेयरमैन। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पोएट्री मिस्टिक कलिंगा नाम का त्यौहार अभी अभी कहाँ मनाया गया? ये कविताओं का त्यौहार है, ये मनाया गया अभी अभी उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंगा, लेकिन उड़ीसा की राजधानी में मनाया गया। ये चारों ही जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये उड़ीसा में है। और चीफ गेस्ट कौन था? चीफ गेस्ट थे सादगुरु जग्गी वासुदेव, जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उनके चीफ हैं। और बस आपको इतना याद रखना है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ
एमओयू साइन करा है। दक्षिण कोरिया इस राज्य में संस्कृति, कौशल विकास, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करेगा इस राज्य के साथ। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जाए इन और राजधानी है सियोल। इनमें से किस व्यक्ति ने टॉप किया है फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट दूसरी बार लगातार, यानी भारत में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है ये फोर्ब्स इंडिया के हिसाब से। इन्होंने 232 करोड़ रुपए की कमाई भी की। इनका नाम है सलमान खान। दूसरे नंबर पे हैं शाहरुख खान, तीसरे नंबर पे हैं विराट कोहली। इसमें एक बात और याद रखिए, जो टॉप 10 है उनमें सिर्फ एक ही महिला है और वो है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा सातवें नंबर पे है। इनकी कमाई है एक साल में 68 करोड़। वैज्ञानिक जीशान मिर्जा, उन्होंने एक जो बिच्छू होता है वुड स्कॉर्पियन उसकी एक नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम रखा है लियोचेलेस स्केलारी। ये इन्होंने तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजी है। ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक सरकार, राजधानी है अगरतला। और इसको इसका नाम रखा है जॉर्ज शलार को सम्मानित करने के लिए, लियोचेलेस शलारी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड करा है कि जो नेल्सन मंडेला जी का 100वां जन्मदिन होगा उस दिन ये एक शांति वार्ता का आयोजन करेंगे। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये हम मनाते हैं 18 जुलाई को। 18 जुलाई को, और 1918 में इनका जन्म हुआ था, तो 2018 में 18 जुलाई को इनका 100वां जन्मदिन होगा। उस दिन एक शांति वार्ता पीस समिट का आयोजन किया जाएगा। राज्यसभा ने एक सिलेक्ट कमेटी बनाई है जिसने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 को लागू करने का एडवाइस किया है बिना किसी संशोधन के। इसकी अध्यक्षता किसने की? ये जो सिलेक्ट कमेटी बनाई थी राज्यसभा ने, इसकी अध्यक्षता की विनय सहस्त्र बुद्धि ने। विनय सहस्त्र बुद्धि। इनमें से योगा इंस्टीट्यूट मुंबई का जो है उसके 100 साल अभी अभी पूरे हुए, तो इसका उद्घाटन किसने करा? जो 100 साल पूरे होने पर जो एक आयोजन किया गया था ये किया वेंकैया नायडू जी ने। और इसके फाउंडर थे, ये भी 1918 में फाउंडेड था, श्री योगेंद्र जी ने ये फाइंड किया था योगा इंस्टीट्यूट मुंबई के अंदर। वेंकैया नायडू हैं हमारे उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो वनडे और T20 ICC वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर दोनों में जिसका नाम आया है, वनडे में भी और T20 में भी? इनका नाम है एकता बिष्ट। एकता बिष्ट। इसके अलावा मिथाली जो मिथाली राज हैं उनका वनडे, और हरमनप्रीत जो कौर हैं उनका T20 ICC वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में नाम आया है, तो ये आपको याद रखना है। और कैप्टन में अगर मैं बात करूं, वनडे में इंग्लैंड की हीथर नाइट और T20 में वेस्ट इंडीज़ की स्टीफानी टेलर, इनका नाम आया है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं, अब वेस्ट इंडीज़ को हम बोलते हैं विंडीज़, वेस्ट इंडीज़ नहीं बोलते, रादर हम बोलते हैं विंडीज़। इनमें से कौन सा कंट्री है जो सिलेक्ट किया है जिसे एज अ चेयर या चेयरमैन ऑफ द एड हॉक कमेटी ऑन रिव्यू एंड रिफॉर्म्स ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम? किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो है इसमें सुधार, इसमें नवीनीकरण के लिए, संशोधन के लिए एक कमेटी बनी है, इसकी चेयरमैनशिप कौन से कंट्री को दी है? ये कंट्री है इंडिया। किम्बरले जो है ये हीरों की खानों के लिए फेमस है। इनमें से कौन सा देश है, जो पहला देश बना है जिसने सऊदी अरेबिया में अपनी फीमेल एम्बेसडर भेजी है? ये भेजी है बेल्जियम ने। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको, इनका नाम है डोमिनिक मिनियोर। जो ब्रुसेल्स है शहर, ये नाटो का हेडक्वार्टर है, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पारसी महोत्सव, ईरान शाह उदावड़ा उत्सव, ये पारसी धर्म का महोत्सव है, इसको बोलते हैं ईरान शाह उदावड़ा उत्सव। ये अभी अभी कौन से राज्य में आयोजित किया गया? माइक्रो माइनॉरिटी है पारसीज भारत के अंदर, बहुत कम नंबर बचा है इनका। ये इसका दूसरा अध्याय था, दूसरी बार हुआ है सिर्फ ये त्यौहार, ये गुजरात के अंदर आयोजित किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने भारत की जो बीच हैं उन्हें साफ करने के लिए और उनका विकास करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम इन्होंने रखा है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनका नाम है कुमी नायडू। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन में और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है बर्लिन में। हमारे वित्त मंत्रालय के हिसाब से जो भारत के बैंक हैं
सन 2016-17 यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 जो वित्तीय वर्ष 2017 था, इसमें भारत के जो बैंक हैं उन्होंने फ्रॉड के चलते कितना पैसा खोया? टोटल पैसा खोया 16,789 करोड़ रुपए भारत ने फ्रॉड के चलते खो दिया, भारत के बैंक्स ने 2016-17 वित्तीय वर्ष के अंदर। इनमें से भारत के कौन से शहर में भारत का पहला एयर कंडीशन सब अर्बन ट्रेन इसने अपनी सेवाएं अभी अभी शुरू की? मुंबई में। मुंबई में आप जानते हैं लोकल ट्रेन चलती हैं और मुंबई में ये बोरीवली से चर्च गेट तक ये ट्रेन चलेगी, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। इनमें से कौन सी टीम है जिसने सैफ अंडर 15 वुमेन्स चैंपियनशिप जीती ढाका के अंदर, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ये बांग्लादेश ने ही जीती और भारत रहा दूसरे नंबर पे। कौन सी कंपनी है जो भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में बनी ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट स्टडी 2017 के हिसाब से? ये कंपनी है पतंजलि। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेगमेंट जैसे पतंजलि है इसमें, इस सेगमेंट में नेस्ले है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, हिंदुस्तान लीवर वगैरह, ये सब बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे साबुन तेल वगैरह बनाती हैं जो कंपनी, उस टाइप के प्रोडक्ट। तो पतंजलि है भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी। इनमें से कौन से राज्य की विधानसभा ने एक बिल पास किया है और वो ये कि अगर आप जहरीली शराब बेचते हैं और उससे किसी की डेथ हो जाती है तो आपको मृत्यु दंड तक हो सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है, ये अनाउंस करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका नाम रखा है यूपी एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2017। हमारे गृह मंत्रालय ने इनमें से 167 करोड़ रुपए अभी अभी अलॉट किए हैं, अलग रखे हैं। कितने राज्यों के लिए? इन राज्यों का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसका विकास किया जाएगा। अब ये बताइए कितने राज्य हैं? ये राज्य हैं 9 राज्य हैं, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल और पश्चिम बंगाल। इस प्रोग्राम का नाम है BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने HDFC रियल्टी और HDFC रेड दोनों को खरीद लिया है? ये कंपनी है क्विकर। टोटल 357 करोड़ रुपए में ये खरीदा है। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे ये हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। ये किसका बर्थडे होता है, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं? इनका नाम है CP रामानुजम। ये भारत के सबसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक थे और इनका बर्थडे हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। एक और बात, भारत में 2012 जो साल था 5 साल पहले, वो नेशनल मैथमेटिक्स ईयर के तौर पे मनाया गया था। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में। इनमें से वो टाइफून, वो चक्रवात कौन सा है जो वियतनाम और फिलीपीन में अभी अभी आया है? इसका नाम है तेम्बिन। भारत में भी एक आया था साइक्लोन ओखी, दोनों याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे चैंपियन स्टेट घोषित किया गया है क्योंकि इसने निर्यात में 2016-17 वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई निर्यात में? यह राज्य है ओडिशा। और ओडिशा ने लगभग 40,872 करोड़ रुपए का निर्यात किया और जो इसे पिछले साल किया था 19,000 करोड़ लगभग, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, डबल से भी ज्यादा हो गया है इसका निर्यात। जतिलेश्वर मुखोपाध्याय का निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? ये बंगाली सिंगर थे, सो आंसर है सिंगर। इनमें से कौन सी एयरलाइन है जो पहली भारत की एयरलाइन बनी है, जो एक दिन में 1000 फ्लाइट उड़ाने वाली भारत में पहली एयरलाइन है? ये एयरलाइन है इंडिगो। इंडिगो कंपनी के प्रेसिडेंट है आदित्य घोष और इन्होंने ये 1000वीं जो फ्लाइट ये कहां उड़ाई, ये इन्होंने उड़ाई मुंबई से कोचीन। ब्रूस मैकेंडलेस, इनका निधन हो गया, ये मशहूर क्या थे? ये एक अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक थे, सो आंसर है एस्ट्रोनॉट। ये एस्ट्रोनॉट थे और ये पहले व्यक्ति थे टू फ्लाई फ्रीली एंड अनटेथर्ड इन स्पेस इन 1984, नासा से की तरफ से गए थे। भारत का पहला हमारा घर में बनाया हुआ मेड इन इंडिया होम ग्रोन हाई प्योरिटी गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड कौन सा है, यानी जो गोल्ड की प्योरिटी को टेस्ट करेगा, इसके लिए हमने एक अपना खुद का स्टैंडर्ड बनाया है। इसे इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई में लॉन्च किया गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भारतीय निर्देशक द्रव्य BND 4201। भारतीय निर्देशक द्रव्य 4201। इनमें से भारत के अंदर EPL यानी इंग्लिश फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इनका नाम है रणवीर सिंह।
इनमें से कौन से राज्य का एंडाउमेंट डिपार्टमेंट है जिन्होंने एक सर्कुलर इशू करा है कि अब आप जो फेस्टिवल हैं और स्पेशल दर्शन टेम्पल्स में नहीं कर सकते न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि इसके हिसाब से हिंदू और तेलुगु प्रथा के हिसाब से जो नया साल होता है वो उगड़ी होता है अप्रैल में, ना कि 1 जनवरी। तो ये अनाउंस करा है अभी अभी आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने ये अनाउंस किया है कि आप उगड़ी मनाइए, आप 1 जनवरी को नया साल मत मनाइए, ये हिंदू और तेलुगु ट्रेडिशन के खिलाफ है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम शुरू करा है, ये डेट सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू करके $1 बिलियन यानी लगभग 6500 करोड़ रुपए रेज करना चाहता है मार्केट से। ये अभी किया है येस बैंक ने। येस बैंक के राणा कपूर है मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारे कंज्यूमर अफेयर मंत्री रामविलास पासवान, ये हाजीपुर बिहार से लोकसभा सांसद हैं, इन्होंने अनाउंस करा है कि जो सरकार है उन्होंने GST लागू होने के बाद जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, आपको उन पे जो स्टिकर है वो चेंज करना है क्योंकि प्राइस बदल गए हैं, उसको चेंज करने की स्टिकर की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन क्या है? नई डेडलाइन है मार्च 2018। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क चिप बनाया है जिसका नाम है रिजर्वर कंप्यूटिंग सिस्टम? ये जो टीचिंग मशीन्स हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता और एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने करा है जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर? ये कंपनी है SBI कार्ड और ये वीजा प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। इनमें से कौन सा देश है जहां जो वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट को पहली बार होस्ट करेगा? ये देश है सऊदी अरब। यहां पे किंग सलमान वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप होंगी। हालांकि आपको बता देता हूं, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है विश्वनाथन आनंद ने, ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं इससे पहले, और वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप जीती है मैग्नस कार्लसन ने जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इस वक्त वर्ल्ड चेस चैंपियन है। अभी अभी गुजरात के उप मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने नितिन पटेल और इनको वहां के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली ने शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। विजय रूपानी की जो सीट थी वो विधानसभा सीट वो है राजकोट वेस्ट। इनमें से कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने लॉन्च करा है अटल जन आहार योजना? इसमें जो भोजन है सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा, सस्ता भोजन मिलेगा, ये करा है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। भारत और रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशन, जिसको बोलते हैं IRIGCTEC, इसका अधिवेशन अभी अभी कहां पर हुआ? इसका सम्मेलन अभी अभी हुआ था नई दिल्ली के अंदर। हमारी तरफ से सुषमा स्वराज और रशिया की तरफ से वहां के उप प्रधानमंत्री दमित्री रोजोगिन आए थे। इसके अलावा सर्जे लवरोव, ये है रशिया के विदेश मंत्री। हमारे रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के हिसाब से आपको यह बताना है कितनी ग्राम पंचायत ऐसी हैं, द रैंकिंग ऑफ हाउ मेनी ग्राम पंचायत हैज बीन कंप्लीटेड टू मेक देम पॉवर्टी फ्री बाय 2019। अंत्योदय मिशन के तहत भारत की कितनी ग्राम पंचायत को गरीबी मुक्त कर दिया जाएगा 2019 तक? ये ग्राम पंचायत है 50,000। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक नया टैक्स ओवरहॉल साइन किया है, इसको कानून में बदल दिया है। ये कितने रुपए का है? ये $1.5 trillion का है। गृह मंत्रालय ने जितने भी NGO हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स जो किसी भी विदेशी कंपनी से फंड लेते हैं, ये उनको कहा है कि उन्हें भारत के 32 डेजिग्नेटेड बैंक में अकाउंट ओपन करने हैं। कितने महीने के अंदर अंदर? 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें ये करने हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत इन्हें ये करने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वहां पे BJP ने शानदार जीत हासिल की और इनका नाम है जयराम ठाकुर। इनको शपथ दिलाई वहां के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने। इनकी विधानसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है सेराज और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो मंडी का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट AG-600 इसे चाइना ने बनाया है। इसने अपनी पहली फ्लाइट अभी अभी ली। आपको बताना है इसका कोड नेम क्या है? इसका कोड नेम रखा है कुनलोंग। ऊबर कंपनी के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? इनका नाम है बारने हेरफर्ड और इस कंपनी के CEO हैं दारा खोसरोव शाही।
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी किसे अपॉइंट किया गया है? हमारे कोयला मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो हमारे रेल मंत्री भी हैं। इनका नाम है पीके सिन्हा, यानी प्रभात कुमार सिन्हा। अभी अभी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई सुशासन और रेप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी में, जो असम के अंदर है। हमारा जो कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय है, उन्होंने अनाउंस करा है कि वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले स्कीम शुरू करेंगे डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर के लिए 1 जनवरी 2018 से। कब तक ये की जाएगी? 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक। हमारे कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी हैं इंजेती श्रीनिवास। अभी अभी एक बुक रिलीज हुई है, द वे आई सी इट। ये कौन सी पत्रकार के कुछ लेख हैं इसके अंदर, उनकी कलेक्शन है ये। ये है गौरी लंकेश, जिनका इसी साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमारा जो वित्त मंत्रालय है, उसने अनाउंस करा है कि वो फर्स्ट ट्रांस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड टू पीएसबीज कब लॉन्च करेगा। कहने का मतलब, जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनमें जो पूंजीकरण है उनका, उसका पहला अध्याय, पहला ट्रांस, पहला भाग कब करेगा। ये करेगा वो जनवरी 2018 में स्टार्ट। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया की 2007 फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट अभी किया है? ये करा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी IMF ने, और इसकी चीफ है क्रिस्टीन लागार्डे। हमारे जो नागरिक परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंस करा है कि भारत के जो बड़े हाईवे कॉरिडोर हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पॉइंट बनाया जाएगा। कितना रुपए इसमें खर्चा आएगा? इसमें 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज अभी कहां पर खुला है? ये हेबई में खुला है, हेबई प्रोविंस चाइना के अंदर, और 488 मीटर है इसकी लेंथ, और ये 218 मीटर ऊंचा है जमीन से। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इनमें से कौन सी लाइन का उद्घाटन करा दिल्ली में? ये बॉटनिकल गार्डन से कालकाजी मंदिर तक चलेगी, ये है मजेंटा लाइन, और 12.64 किलोमीटर ये लंबी है, और ये दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन है जहां पे ड्राइवरलेस गाड़ियां चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, ये पहले भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड करेंगे। पिछले 20 सालों के अंदर किसी भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सम्मिट कहां पे होगी? ये आयोजित की जाएगी डावोस में। डावोस है स्विट्जरलैंड में। इससे पहले 1997, 20 साल पहले, प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने अटेंड की थी ये, और मिस्टर क्लॉस श्वाब है इसके डायरेक्टर जनरल, यानी चीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी नाम की जगह, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनमें से कौन से भारत के राज्य का परिवहन विभाग है जिनको अवार्ड मिला है स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड ऑफ द स्कॉच ग्रुप? ये हाईएस्ट अवार्ड है, ये मिला है मध्य प्रदेश को, और तेलंगाना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी मिला है अवार्ड। उन्हें मिला है स्कॉच गोल्डन अवार्ड, सबसे ऊंचा अवार्ड प्लैटिनम होता है, जो गोल्डन से भी ऊपर होता है। और बस दो अवार्ड याद रखिए, तेलंगाना को मिला है स्कॉच गोल्डन अवार्ड, और स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड मिला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीवनी लॉन्च करी, इसका नाम है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा। खैरा सेन का सूरज, इस किताब को लिखा किसने है? इसको लिखा है नंदन सिंह बिष्ट ने। उत्तराखंड जो है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजा जी टाइगर रिजर्व है, और देहरादून यहाँ की राजधानी है। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन सूडान में बनाने का निर्णय लिया है? ये देश है रशिया। भारत में भी रशिया ने कल्पक्कम और कुंडनकुलम बनाया है, जो तमिलनाडु में है। इसके अलावा तमिलनाडु में कल्पक्कम न्यूक्लियर प्लांट भी है। सूडान की राजधानी है खार्तूम। इनमें से कौन से शहर की पुलिस है जिसके साइबर विंग को 2017 नेस्कॉम डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है? ये कोलकाता पुलिस को मिला है। इनमें से कौन से देश के सैंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सेंटा क्लॉज बनाया है? इसका टाइटल है वर्ल्ड पीस। ये बनाया है भारत के सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर। ये 25 फीट ऊंचा है और 50 फीट चौड़ा है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आएगा। सबसे महंगे रेसलर प्रो रेसलिंग लीग के इतिहास में दिल्ली सुल्तान्स टीम ने इन्हें खरीदा है 55 लाख में। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुशील कुमार। और दूसरे सबसे कॉस्टलीस्ट हैं विनेश फोगट। 40 लाख में खरीदे गए हैं।
और अगर मैं महिलाओं में बात करूं तो याद रखिए हेलेन मरोलिस, हेलेन मरोलिस यूके की हैं, यूनाइटेड यूएस की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, अमेरिका की हैं, 44 लाख में ये खरीदी गई हैं, सबसे ये महंगी महिला रेसलर बनी है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ब्लिंक को खरीद लिया है? ब्लिंक एक वायरलेस होम सिक्योरिटी स्टार्टअप है, वायरलेस होम सिक्योरिटी स्टार्टअप। ब्लिंक को अभी अभी खरीदा है अमेजॉन ने, अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेसोस। विजेंदर सिंह, इन्होंने WBO सुपर मिडलवेट एशिया पैसिफिक टाइटल और ओरिएंटल टाइटल दोनों अपने पास रखे, यानी पहले भी यही थे चैंपियन, अब भी यही बने हैं। इन्होंने अर्नेस्ट अमुजू को हराया। ये अर्नेस्ट अमुजू कौन से देश के हैं? ये घाना के हैं, घाना की राजधानी है एक्रा। ये फाइट हुई थी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। नोमुरा जैपनीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो जैपनीज फाइनेंशियल कंपनी नोमुरा के हिसाब से भारत का GDP 2018 में कितना ग्रो करेगा? भारत का GDP ग्रो करेगा 7.5%। भारत की जो एयरफोर्स टीम है जिसने अभी अभी मिशन 7 समिट पूरा करा है माउंट विंसन अंटार्कटिका में चढ़ाई करके, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की GP कैप्टन RC त्रिपाठी, ग्रुप कैप्टन RC त्रिपाठी। और जो सबसे ऊंची पीक है दुनिया में उनका ये उनको चढ़ना था इसके अंदर। अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो तंजानिया में, अंटार्कटिका में है विंसन, तो माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका में है। भारत में आप जानते हैं, भारत में आप कंचनजंगा कह सकते हैं। एक बात याद रखिए, हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो भारत हम नहीं गिनेंगे उसमें। कंचनजंगा और भारत में सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है, अगर ओवरऑल पूछे तो वो है K2, लेकिन हिमालयाज के अंदर नहीं आती, वो ट्रांस हिमालयाज में आती है K2। और K2 की ऊंचाई है 8611, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598। अगर पूछें एशिया की तो वो है माउंट एवरेस्ट, और अकॉनकागुआ है दक्षिण अमेरिका की, और यूरोप की है एल्ब्रस। तो ये कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका की भी पूछते हैं तो वो है डेनाली। अभी अभी एक समुद्री मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है डेसिस बॉब मार्लेई। ये कहाँ पर खोजी गई है? इसका नाम बॉब मार्ले के नाम पर रखा गया है, जो मशहूर सिंगर थे, और उनका एक गाना है हाई टाइड और लो टाइड, यानी ज्वार या भाटा, उसके नाम पे बॉब मार्ले ही नाम रख दिया गया है इसका। ये खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसे क्वींसलैंड म्यूजियम में रखा गया है। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी लॉन्च करा जेनिट 2SB रॉकेट, जिसने एंगोसैट 1 सैटेलाइट को लेके ये उड़ा है? ये अंगोला की पहली टेलीकॉम सैटेलाइट है। किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है अभी अभी रशिया ने। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। इनमें से कौन सा शहर है जो इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल को होस्ट करेगा? अंतर्राष्ट्रीय मिठाइयों का त्यौहार है ये होस्ट करेगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। लोकसभा ने GST कंपनसेशन टू स्टेट्स अमेंडमेंट बिल पास किया है। इससे जो लग्जरी व्हीकल के ऊपर टैक्स है 15% से बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया है? इसे कर दिया गया है 25%। सोवा इंडिया इकोनॉमिक एसोसिएशन समिट, ये इसका उद्घाटन करा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये गुंटूर में किया गया, और गुंटूर है आंध्र प्रदेश में। इसके गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा और चंद्रबाबू नायडू हैं मुख्यमंत्री। इनमें से किसे 2017 का हरिवर्षनम अवार्ड देगी केरल की सरकार? ये अवार्ड मिलेगा इस बार सिंगर चित्रा को, इनको बोलते हैं KS चित्रा। तीस्ता रंगित टूरिज्म त्यौहार, ये भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया गया? तीस्ता एक नदी का नाम है, और यह आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में ये आयोजित किया गया। बॉब गिवंस का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध क्या थे? ये एक एनिमेटर थे, ये कार्टून वगैरह बनाते थे, और इन्होंने बग्स बनी नाम का जो फेमस कार्टून आता है TV पे, उसको बनाया था बग्स बनी। यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज टैग, ये पनामा के आर्टिसंस को दिया गया है। ये खास तरह की टोपी बनाते हैं, इस टोपी को क्या बोलते हैं? इस टोपी का जो नाम है वो है पिनाटो। पिनाटो नाम की टोपी पनामा में मशहूर है, इसको मिला है यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज टैग। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है ऑड्री अजोले, पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। इनमें से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया चीफ यानी डायरेक्टर जनरल कौन बना है? ये बने हैं मिस्टर अभय। इनमें से कौन सी मोबाइल ऐप है जो भारत की पहली पेमेंट ऐप बनी है जिसके 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डाउनलोड हो गए हैं गूगल प्ले पे? ये है पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है रेणु सती। पेटीएम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विजय शेखर शर्मा।
इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने दिल्ली सरकार के साथ एक एमओयू साइन करा है, एग्रीमेंट साइन करा है, ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बनाएगी इस शहर में 12 लोकेशंस पे। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट यहां पे संभव होगा। ये कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया, 15 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाएगी। इनमें से कौन से राइटर हैं भारत के जिन्हें श्रीलंका ने सम्मानित करा है बच्चों के साहित्य में योगदान के लिए, ये इनका नाम है रामेंद्र कुमार। इनकी एक किताब है जिसका नाम है डिलेमा एंड अदर स्टोरीज, इसको श्रीलंका की भाषा सिन्हला में ट्रांसलेट किया गया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो है मैत्रीपिला सिरिसेना, प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रम सिंघे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो क्रॉस शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो होती है उसमें कितने परसेंट पे अब वो रोक देगा, यानी कैप लगा देगा। इससे ज्यादा आप क्रॉस शेयर होल्डिंग नहीं कर सकते। ये लगाएगी जो लिमिट है सेबी लगाएगी 10% पे। सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर। इंडिया साइंस कांग्रेस 2018 कहां पे होगा? भारत विज्ञान जो कांग्रेस है ये कहां पे होगा? ये मणिपुर के अंदर होगा, मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल के अंदर होगा। सो आंसर है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इससे पहले ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में होना था, लेकिन अब ये होगा मणिपुर यूनिवर्सिटी में। इनमें से पेटा पर्सन्स ऑफ द ईयर, पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों को बचाने के लिए काम करती है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इनके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है? ये मिला है अनुष्का शर्मा को, जो विराट कोहली की वाइफ है। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, इसने कितने स्कूल्स को सिलेक्ट किया है जहां पे अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम होगा? अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम, इसके लिए जो स्कूल है 1500 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है, 1500 और स्कूल को सिलेक्ट किया गया है। और अटल जी के नाम पे एक योजना और है, अटल पेंशन योजना, और एक योजना और है जिसको बोलते हैं अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, और चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। अभी अभी एक ब्लाइंड फिश है जिसको बोलते हैं शिष्टुरा लार्केटेंसिस, इसकी ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में एक गुफा में नई प्रजाति खोजी गई है। आप क्या बता सकते हैं ये जो ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से राज्य का है? ये है मेघालय का। और जयंतिया गारो और खासी ये एक हिल्स होते हैं मेघालय के अंदर, मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलोंग। इनमें से कितना पैसा SBI बोर्ड ने अप्रूव करा है वो रेज करेंगे एज एडिशनल टीयर वन कैपिटल, जिससे वो बेजल थ्री नॉर्म्स को मीट कर पाए? ये पैसा होगा 8000 करोड़, और बेजल थ्री नॉर्म्स की जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2019, और इसमें हमें कैपिटल एडुकेसी रेशियो को मेंटेन करना है। मिस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2017 21 से 34 साल की उम्र की कैटेगरी में किसे क्राउन किया गया है? ये मुंबई की है, इनका नाम है मयंका पटेल, मयंका पटेल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो जो उसके पुराने एसोसिएट बैंक थे जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर इत्यादि, 5 उसके एसोसिएट बैंक थे और एक भारतीय महिला बैंक, ये सारे इनका विलय हो गया था SBI के साथ। अब इनकी जो चेकबुक है वो इस डेट के बाद वैलिड नहीं होगी, वैध नहीं होगी। तो कौन सी डेट है? यानी 31 दिसंबर 2017, इस साल के आखिरी दिन। अगले साल अगर आपको चेकबुक लेनी है तो फिर आपको SBI की लेनी पड़ेगी। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के MTN बॉन्ड प्रोग्राम से अपने आप को डिस एंगेज कर दिया है? यानी मूडीज इन्वेस्टर रेटिंग है, इस बैंक के MTN बॉन्ड प्रोग्राम को रेट करती थी, अब इस बैंक ने मूडी से अपना ये नाता तोड़ लिया है। ये बैंक कौन सा है? ये है IDBI बैंक। IDBI बैंक के CEO हैं महेश कुमार जैन। इनमें से किसने लॉन्च करा है लाइव स्टॉक डिजीज फॉर वार्निंग मोबाइल ऐप? मैं रिपीट करता हूं, जो पशुधन है, जो पशु होते हैं उनमें कोई बीमारी ना आए इसको बताएगी ये मोबाइल ऐप, उसको रोकने में मदद करेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो लाइव स्टॉक डिजीज फॉर वार्निंग मोबाइल ऐप, इसे बनाया है ICAR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज इन्फॉर्मेटिक ने मिलके। ये लॉन्च किसने करी है? ये लॉन्च करी है हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक डिजीज होता है पशुओं का जिसको बोलते हैं रिंडर पेस्ट, इसको भारत से एलिमिनेट यानी खत्म कर दिया गया है, रिंडर पेस्ट अब भारत में नहीं होगा। और हमारे जो हेल्थ मंत्री हैं JP नड्डा, उन्होंने कहा है कि ट्रैकोमा जो आंखों का रोग है यह भी भारत से एलिमिनेट कर दिया गया है। जिम्बाब्वे के उप राष्ट्रपति की शपथ किसने ली है?
इनका नाम है कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा, कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा। और राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मनानगागवा, एमरसन मनानगागवा। राजधानी है हरारे। अभी अभी ग्लोबन कोकन फेस्टिवल हुआ, कोकन भूमि प्रतिष्ठान का, ये छठी बार हुआ। कहां पे ये हुआ? ये हुआ मुंबई के अंदर। सो आंसर है मुंबई। देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया। यामहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है मोतोफूमी शितारा। केरला के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? केरला में सीपीआईएम की सरकार है, पिनरे विजन मुख्यमंत्री हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम यहां के नृत्य हैं। इनका नाम है पॉल एंटोनी। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अफ्रीकन पार्क्स के नए प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी। अफ्रीकन पार्क्स है क्या? ये एक प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाई हुई एनजीओ है जो 2000 सन में बनी थी। केयर रेटिंग्स के हिसाब से उन देशों में भारत की क्या रैंक है जिनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबसे ज्यादा है? भारत की रैंक है पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। नंबर वन है ग्रीस, नंबर दो है इटली, नंबर तीन है पुर्तगाल और नंबर चार है आयरलैंड। भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की रेशो कहा है इसने 9.85%। एपी आंध्र प्रदेश फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट अमरावती में लॉन्च हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन करा रामनाथ कोविंद ने और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप लैंडिंग कार्ट, इन्होंने 25 करोड़ रुपए रेज किए हैं डेट में, कौन से बैंक से इन्होंने किए हैं? ये इन्होंने किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और ये हैं इस बैंक, इसके कंपनी के लैंडिंग कार्ट के सीईओ हर्षवर्धन लुनिया। भारत ने अभी अभी सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया अपना खुद का बनाया हुआ एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल। ये कहां पे इन्होंने टेस्ट फायर किया? ये किया अब्दुल कलाम आइलैंड, इसका पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड, उड़ीसा में है ये। सो आंसर है उड़ीसा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अभी अभी 25वां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करा। ये गुजरात में कहां आयोजित किया गया? इसको किया गया आयोजित अहमदाबाद में, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, 36वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत के अंदर। एल्फी कर्टिस का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध क्या थे? ये एक एक्टर थे, इन्होंने स्टार वॉर्स वगैरह में भी काम किया हुआ है। सरकार ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम है सारी, उन पे इंटरेस्ट कम कर दिया है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह सब पे कितना कम कर दिया है? 20 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। लेटेस्ट कितनी है, किस पे कितनी है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनएससी पे है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे है 7.6%, केवीपी पे है 7.3%। केवीपी बोलते हैं किसान विकास पत्र को। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे है 8.1%। अशोक मट्टू, इनका निधन हो गया। ये इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रेसिडेंट थे? ये प्रेसिडेंट थे पहले हॉकी इंडिया के, हॉकी इंडिया के। और ये आईएबीएफ के भी 16 साल तक प्रेसिडेंट रहे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक जो अगला साल है, यानी कि जो 2018 और 2019 अगले दो सालों के लिए कितना प्रोग्राम बजट अप्रूव किया है, ये बजट है $5.4 बिलियन, $5.4 बिलियन। और जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? मिरोस्लाव लाजकेक। अभी अभी वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल गोल्ड किसने जीता? इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है, 61st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो त्रिवेंद्रम केरला के अंदर हुई थी। इनका नाम है अनीसा सैयद, अनीसा सैयद। एक इंपॉर्टेंट बात और, जीतू राय ने भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए 50 मीटर में पिस्टल गोल्ड जीता है। भारत ने अनाउंस करा है कि वो इनमें से कौन से देश को मेडिकल पर्पज के लिए $1 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगा। ये देश है यमन, यमन की राजधानी है सना। टेक्निकल और सेफ्टी स्टैंडर्ड कमेटी बनाई है, जो पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है गुड़गांव में आएगा, ये 12.3 किलोमीटर का पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट है। इसकी सेफ्टी के लिए कमेटी जो बनी है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इनका नाम है एस के धर्माधिकारी। इसको हम पर्सनल रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, PRT भी बोलते हैं। दूसरा एयर कॉरिडोर भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इसका उद्घाटन अभी अभी किया। एक कार्गो फ्लाइट चली काबुल, और कहां से? काबुल से चली मुंबई, इसका उद्घाटन अभी अभी किया गया। और भारत के जो एम्बेसडर हैं वो हैं मनप्रीत वोहरा, जो काबुल में हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ घानी। सो ये था वीडियो, थोड़ा लंबा था और आपकी रिक्वेस्ट से मैं इस बार स्लो चला, मैंने अपनी स्पीड धीमी रखी, आपने नोटिस किया होगा। तो धीरे धीरे मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो
यहां मैं दिसंबर खत्म करता हूं, यहां पे एक और साल खत्म होता है। इस साल बहुत आपने सपोर्ट दिया, और जो लोग नहीं जानते, इस बार आंध्र प्रदेश की सरकार ने हमें इंडिया के बेस्ट एजुकेशन चैनल का अवार्ड दिया है। ये आप सबके प्यार और सम्मान, आपके सपोर्ट से हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि 2018 में भी हम आपको पूरी मेहनत के साथ सर्व करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।